अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, अगर गाड़ी रुकी तो बॉम्ब फट जाएगा। ड्राइवर, तुम गाड़ी रोक गए नहीं? नहीं संतोष जी, आप गाड़ी मत रोकिए, गाड़ी चलाते रहिए। मृदुला, कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। अरे इस गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं, दीवू है, नंदनी प्रेग्नेंट है और साथ ही साथ तुम भी हो। अगर बॉम्ब फटेगा तो तुम भी मर जाओगी। गाड़ी चलाते रहिए आप। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन सिर्फ मेरे रुकने से क्या होगा? हाँ, ये बस भी तो कभी ना कभी रुकेगी, इसका पेट्रोल भी तो कभी खत्म होगा, तब क्या होगा अनमोल? तब तो सब मर जाएंगे। कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। देख रही हो तुमने क्या किया, डरे हुए लोगों को और डरा दिया। अरे किसी की हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो डर तो मत बढ़ाओ। नंदनी, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें और छोटू को कुछ भी नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। दिव्यासा, आपको अपनी अनमोल माँ पर भरोसा है ना? दीवू, ये तुम्हारी असली अनमोल माँ नहीं है। मृदुला, दूर ही रहो हमसे। अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यही हमारी अनमोल भाभी, क्योंकि एक वही है जो डूबते हुए को भी अपनी हिम्मत से बचा लेती है। सॉरी भाभी, हम आपको पहचान नहीं पाए। बच्चों, सब हमारी बात सुनो। क्या कभी भी किसी ने भी सुना है कि किसी फिल्म में कोई हीरो मर गया और दुश्मन जीत गया? नहीं ना, है ना? नहीं सुना है ना कभी भी? नहीं। तो जब कहानी में ऐसा नहीं होता तो असल जिंदगी में कैसे होगा? एक बात हमेशा याद रखना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए हम सबको हिम्मत नहीं हारना है। और ये सब तो आपने स्कूल में भी सीखा होगा कि जहाँ होगी एकता वहाँ होगी जीत, और मिलकर हम करेंगे परेशानी को पीट। बोलो, पीटेंगे या नहीं? पीटेंगे। सुनाई दे रहा? पीटेंगे। तो सब मिलकर बोलो कि हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, और हम दुश्मन को मिलकर हरा देंगे, दुश्मन को हरा देंगे। वापस, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, और हम मिलकर दुश्मन को हराएंगे, हम मिलकर दुश्मन को हराएंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, और जोर से, हम जीतेंगे। बच्चों, जब संकट मोचन हमारे साथ है तो विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा हमें। चलो चलो चलो। अब अच्छा, तो अनमोल, अब बजरंग बली हमारी मदद करने के लिए आएंगे? क्या हुआ? मैंने पूछा कि क्या क्या करने जा रहे हो? हम आपको बांधने वाले हैं ताकि आप यहाँ पर चुपचाप बैठी रहें। चलिए। अरे चलिए यहाँ पे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पकड़ लो इसे। मत करो ऐसा, छोड़ो मुझे। नंदनी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो हम सब मरने वाले हैं और यही सच है। गंदी आंटी, आप चुप रहिए, लोगों को डरा रही है आप। हमारा चेहरा लेकर तुम इतनी मनुस्मृति कैसे कर सकते हो मृदुला?
नहीं, एक काम करते हैं, तुम ना बहुत बकवास कर रहे हो, हम अब तुम्हारा मुंह बंद करेंगे। अब चुपचाप बैठी रहो। चलो बच्चों, अब आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। जाओ। बेटा तुम ना एक काम करो, तुम अपना भोपू लो और वहाँ एकदम आगे जाकर बैठ जाओ, और जो भी गाड़ी आए ना अपना भोपू बचाना और उन्हें हटने के लिए कहना, ठीक है? जाओ। संतोष, आप गाड़ी चलाते रहिएगा और हार मत मानिएगा, ठीक है? जी जी जी। जब हनुमान जी अपनी पूरी सेना को लेकर एक पूरा समुद्र पार कर सकते हैं, तो फिर आप हमें एक रास्ता क्यों नहीं पार करा सकते? बिल्कुल करवाएंगे। बोलो बजरंगबली की जय। पुलिस का नंबर? रमन चौहान, यही नाम है ना? हाँ सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो जुटाना होगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी धांधली की है। गरीबों की जमीनों पे कब्जा करके उसे अमीरों को बेचा है। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। बात आपकी सही सर, लेकिन आपको मालूम है ना उसके ऊपर उसके ससुर का हाथ है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे हटिया, गाड़ी हम रोक नहीं पाएंगे, हट जाओ। स्लो कर देता हूँ स्पीड। नहीं नहीं नहीं, स्पीड कम मत कीजिए भैया। साइकिल मारे भैया, हटो हटो। याद नहीं रहता क्या आप लोगों को कि ये पुलिस स्टेशन है जहां पे हर कॉल या तो काम का होता है या काम के लिए होता है। कोई कोई मुसीबत में कॉल कर रहा होगा। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, हम अनमोल बोल रहे हैं। हम बहुत सारे बच्चों के साथ एक बस में फंस गए हैं और यहाँ हमारे बस में स्पीड बॉम्ब लगी हुई है। बस का नंबर है 0214 और हम किले वाले हाईवे पर है। आप जल्दी से मदद भेजिए, हो सके तो पूरा हाईवे खाली करवा दीजिए, क्योंकि हम अपनी स्पीड 65 से नीचे नहीं कर सकते। जल्दी मदद कीजिए हमारी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हाईवे खाली करवाते हैं, डोंट वरी। आप बच्चों का ख्याल रखिए, हम किसी को भेजते हैं अपनी टीम से। हेलो इंस्पेक्टर, कैसे स्पीकिंग? जल्दी से किले वाला हाईवे खाली करवाओ, वहां से बस 0214 बस किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें स्पीड बम लगा हुआ है। जल्दी करो, फास्ट। यादव जल्दी से अपनी टीम को इन्फॉर्म करो। संतोष जी, आप ध्यान से चलाइए गाड़ी, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे दीदी, किसी को हमारी जगह आना होगा। अब हम पक्का नहीं बचेंगे, सब मरने वाले हैं। अनमोल माँ,
हम सच में मर जाएंगे। देवू, आप परेशान मत हो, आपकी अनमोल माँ है ना यहाँ, आपकी अनमोल माँ और आपके पापा जान दे देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपका तो बहुत खून बह रहा है। हमें अगर ड्राइवर अंकल की सीट पर आना है तो एक्सीलेटर को किसी चीज से दबाना होगा वरना गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। वहीं हमारे पैर छोटे हैं तो पैरों को भी लंबा करना होगा। अनमोल, नकली लंबाई कैसे बढ़ाएगी, जल्दी सोच। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।